हेलो फ्रेंड, एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको यह जान के खुशी होगी कि मैं 23 सितंबर 2018 से एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आज का दिन, यानी कि आज का दिन किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, कौन सी संधि हुई, कौन सी फिल्म रिलीज हुई, ये कौन सी मुख्य घटनाएं विश्व में घटी, ये सभी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से रोज उपलब्ध कराते रहेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि 23 सितंबर को विश्व में कौन सी घटनाएं घटी। तो जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, भारत एवं विश्व इतिहास में 23 सितंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 23 सितंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक कथित तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सबसे पहला जो घटना है वो जो है बिहार से संबंधित है कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1908 ईस्वी में हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। इनका फिगर देखना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, 3-1 और 2 जो लास्ट में सबसे नीचे फोटो दिखाई दे रहा है, जो कि 2 अस्पष्ट है, यही रामधारी सिंह दिनकर का जो है फोटो है। आगे चलते हैं, 1911 ईस्वी में 23 सितंबर को ही अर्ल गोविंगटन पहले एयरमेल पायलट बने और 1929 में बाल विवाह निरोधक विधेयक सरदा कानून पारित हुआ। साथ ही 1958 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। साथ ही आप देख सकते हैं कि 1986 में 23 सितंबर को ही अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमेरिका का राष्ट्रीय फूल चुना। ध्यान दीजिएगा कि 1986 में 23 सितंबर को ही अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को राष्ट्रीय फूल चुना था। साथ ही जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि 23 सितंबर को ही 1939 में विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड का निधन हो गया था। किस दिन? 1939 में उनका निधन हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है न्यूज़ है कि 23 सितंबर 2002 को मोजिला फायरफॉक्स का पहला लॉन्च हुआ था, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है एक और जानकारी है कि 23 सितंबर को ही आप जो है भारत के एक मशहूर नाटककार कह सकते हैं, सिनेमाकार कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं, प्रेम चोपड़ा जी का भी जन्म हुआ था, जिसका फिगर आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही प्रेम चोपड़ा जी हैं, इनका भी जन्म 23 सितंबर को ही हुआ था। तो ऐसे ही हर रोज़ की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।